कुशीनगर पुलिस ने 23 तारीख को जो जाली नोटों का जखीरा पकड़ा था उसे लेकर अब तमाम तरह के खुलासे हो रहे हैं, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। आप जो ये दो तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें साफ साफ लिखा है पैरों में प्लास्टर और पैरों में बिना प्लास्टर, इसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि पैरों में प्लास्टर जो है वो पुलिस ने बाकायदा आरोपियों का व्हील चेयर पर फोटो खींचने के लिए लगाया था। और ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये वही आरोपी हैं जिनके बारे में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय राय और सपा के कई बड़े नेता ये कह रहे हैं कि ये जो आरोपी हैं ये पेशी के वक्त चल कर जा रहे थे खुद के पैरों पर, यानी कि इनके पैर ठीक थे। अब अजय राय इसे लेकर ट्वीट करते हैं कि कुशीनगर पुलिस ने जिन जाली नोटों के कथित आरोपियों को प्लास्टर लगाकर व्हील चेयर पर परेड करवाई, वही आरोपी पेशी के बाद बिना प्लास्टर के खुद के पैरों पर पुलिस के साथ जा रहे हैं। वीडियो में यह साफ तौर पर दिख रहा है। वो ये भी लिखते हैं कि डीजीपी उत्तर प्रदेश को बताना चाहिए कि क्या यह प्लास्टर महज दिखावा था, पीआर था या कोई एजेंडा था। जनता सच जानना चाहती है, लेकिन जैसे ही इन्होंने सच पूछा पुलिस से पहले पब्लिक ने सच बता दिया। और वो सच क्या था आप ये कमेंट में देख सकते हैं। एक यूजर ने बकायदा इनको लिखा कि आपको नोटिस जाने वाला है यूपी पुलिस की ओर से, आपने जो सवाल उठाए हैं और उस नोटिस के लिए आप वक्त पर उपस्थित हो जाना। यह बात इधर चल रही थी ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, तभी एक खबर आती है सामने कि अजय कुमार लल्लू जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं उनको यूपी पुलिस ने नोटिस जारी करने का मतलब यह है कि उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा एक बड़ी बात यह थी कि जो आरोपी है कुशीनगर वाले केस में, उस एक आरोपी जिसका नाम औरंगजेब है उसके साथ अजय कुमार लल्लू की तस्वीर सामने आई। आप वो तस्वीर सामने देख सकते हैं। जनपद कुशीनगर में जो जाली नोटों का गैंग पकड़ा गया है जिसके 10+1 सदस्य अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, इसमें कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पे भ्रामक तथ्यों के साथ भ्रामक वीडियो फैलाकर अभियुक्तों के सपोर्ट में कार्रवाई करने की बात सामने आई है। लेकिन तथ्य इसमें ये है कि ये शातिर किस्म के बदमाश हैं, ये जितने भी 11 इसमें शामिल हैं इन सभी पर क्रिमिनल हिस्ट्री है, ये सभी पूर्व में भी अपराध में लिप्त रहे हैं। और ये भी बात सामने आई है कि इसमें जो व्यक्ति ये भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके साथ भी इन अभियुक्तों की फोटो है। इस केस में ये शातिर अभियुक्त औरंगजेब जिसपे की 9 मुकदमे हैं, गैंग रेप से लेकर अन्य गंभीर धाराओं पे मुकदमे हैं, उनके साथ में इनकी फोटो मिली है। ये सभी एंगल पे जांच कराई जा रही है, ये सभी लोग जांच के घेरे में हैं, अपने बचाव करने के लिए या अभियुक्तों को बचाने के लिए भ्रामक खबरों को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जनपद कुशीनगर में इस गैंग पे कार्रवाई करते हुए इसमें जितने भी सम्मिलित लोग हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन सब पर कार्रवाई की जाएगी। तो यानी बात यह है कुल मिलाकर कि सपा नेता नौशाद खान जिसे इस आरोप में पकड़ा गया कुशीनगर वाले जाली नोट के केस में, और दूसरा मोहम्मद रफीक, इन दोनों आरोपियों के अलावा सपा का जो इस जाली नोट से कनेक्शन निकला वो सपा के अलावा कांग्रेस के एक नेता के साथ फोटो आने के बाद ये बात साफ हो गई है कि कुशीनगर केस में पॉलिटिकल ड्रामा अभी बाकी है और आगे आपको कई बड़े ऐसे खुलासे मिलने की उम्मीद है।